पीड़ा का अनुभव हो रहा है वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय में झंझावत चल रहा है। वैसी पीड़ा का अनुभव आज तक विश्व में किसी ने किया ही नहीं होगा, किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभावों को काबू ना किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आपने ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए यह घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व की छाया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की।